ईस्ट दिख रहा है क्या? नहीं हाँ दिख रहा है, दिख रहा है वो वाला भी दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि अभी तक क्या पढ़े, उसके बाद कंटिन्यू को देखें। हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग किए थे बच्चे लोग कि अपने बॉडी में किस तरीके से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। मैंने तीन टाइप के न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को पढ़ाया था। पहला जो न्यूट्रिएंट था वो था एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते थे। दूसरा न्यूट्रिएंट जो था वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट था, जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते थे। और तीसरा जो था बॉडी प्रोटेक्टिंग था, जिसको हम लोग विटामिन बोलते थे। हमने पढ़े थे कि बॉडी के अंदर मेजरली जो एनर्जी बनती है वो किससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट से बनती है या ग्लूकोज से बनती है। बट इनकेस अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो बॉडी लिपिड्स और प्रोटीन से फिर क्या करती है, एनर्जी को ऑब्टेन करती है, है ना। हम लोग देखे थे कि बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग उस खाने को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते करते ग्लूकोज के फॉर्म में लेकर आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड से वो फिर सारी चीजें अब्सॉर्ब होकर कहाँ चली जाती है, सेल के पास। सिमिलरली जब हम लोग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचा देते हैं, सेल के पास पहुंचा देते हैं। अब सेल क्या करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर किसी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? और अगर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको बोलते थे एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों ही रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या थे, अलग थे। अगर हम लोग अपनी बॉडी पर बात करें तो हम लोग के बॉडी के अंदर दो लेवल पर रेस्पिरेशन होते हैं, एक बॉडी लेवल रेस्पिरेशन होता था और एक दूसरा सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल मतलब जब हम लोग लंग्स के अंदर ऑक्सीजन देते हैं और CO2 को एक्सहेल करते थे, इसको बोलते हैं बॉडी लेवल। और दूसरा रेस्पिरेशन होता है सेल के वहां पर, जहां पर हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से और उसमें से क्या निकालेंगे, एनर्जी। याद आ रहेगी नहीं? देन हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम लोग का सेल जो है वो एनर्जी जनरेट करता है। तो तीन साइकिल पढ़े थे, डेली साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल जिसको PMP पाथवे भी बोलते हैं, एम्डन मेयरहॉफ आर्नस साइकिल। फिर हम लोग ने सेकेंड साइकिल पढ़े थे, क्रेब्स साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और तीसरी साइकिल पढ़े थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इनके एंड में हम लोगों को टोटल 38 ATP मिले थे। मैंने ATP के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात किया था, आपको याद, हम लोगों ने पढ़े थे ATP जिसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, हम लोगों ने पढ़े थे उसमें एडिनाइन है, राइबोस शुगर है और तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है, और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। याद है कि जो बॉन्ड होती है उसी में एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड होती है। अपने बॉडी को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फॉस्फेट टूटेगा और बॉन्ड में से एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ATP से क्या बन जाएगा, ADP बन जाएगा। देन हम लोग देखे थे कि अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो बॉडी लिपिड्स से एनर्जी जनरेट करती थी, लिपिड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ती है और फैटी एसिड्स फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, बाकी सारा प्रोसेस क्या होता था, सेम। सिमिलरली अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को तोड़ देते अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, बाकी का सारा प्रोसेस सेम। देन थर्ड, उसी के बाजू में हम लोग पढ़े थे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़े थे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किससे करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। याद आ रहा है कि नहीं? हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर हम लोग फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ यीस्ट कर रहे हैं तो अल्कोहल बनेगा। याद है लास्ट टाइम बताया था, कुछ लोगों को बताया था ट्रायल नहीं करना घर पे जाने के बाद। फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर फर्मेंटेशन मसल सेल्स कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड बनेगा, माइक्रोब्स कर रहे हैं तो विनेगर या दूसरा कोई ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। याद आ रहा है कि नहीं भाई? मतलब एंड प्रोडक्ट क्या होगा, अलग होगा अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो। हम लोगों ने पढ़े थे प्लांट की जो सीड्स होती है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है जब वो जमीन के नीचे होती है। और सिमिलरली हम लोग पढ़े थे हम लोग के मसल सेल्स भी जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस टाइम पे कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद है कि नहीं? यहाँ तक के पढ़े थे, कोई दिक्कत, सब कुछ याद आ गया? ठीक है, पूरी कहानी रिपीट हो गई फ्लैशबैक में जाके, अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग को ना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स।
सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है वो है प्रोटीन। वो क्या है बच्चों, अब इससे पहले एक पॉइंट मैं प्रोटीन पर स्टार्ट करूं। एक पॉइंट हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी क्या होती है, और भी सिमिलरली 1 ग्राम प्रोटीन से भी हम लोग को कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी क्या होती है, और भी देखो प्रोटीन हम लोग को प्लांट में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं, बट जो एनिमल में प्रोटीन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और एनिमल के बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत सारी जगह पर यूज होता है, समझ में आ रहा है, हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत सारी जगह पर यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते हैं बच्चे लोग, उन हॉर्मोन्स को बनाने के लिए किसकी जरूरत है, प्रोटीन की। अपने स्किन के अंदर एक पिगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलेनिन, क्या बोलते हैं, उसको भी बनाने के लिए किसकी जरूरत है, प्रोटीन, मेलेनिन, जिसकी वजह से हम लोग की स्किन ब्लैक होती है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को बोन्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसिन, हम लोग की बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। सिमिलरली हम लोग को पता है हीमोग्लोबिन है, उसको भी बनाने में कौन मदद कर रहा है, प्रोटीन। हम लोग की बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनको भी हेल्प, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, उनको बनाने में भी कौन मदद करता है, प्रोटीन मदद करता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन हम लोग की बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सारी सी बात है। इसीलिए तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े थे कि बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रोटीन बनने वाला है। अब अगर इतना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, बट प्रॉब्लम ये है प्रोटीन के साथ में कि हम लोग प्रोटीन को अपने बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक के स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बनता है नाइट्रोजन का, किसका बनता है, और नाइट्रोजन बॉडी के लिए ज्यादा डेंजर होता है, एक्सेस में नहीं रख सकते उसको। इसीलिए अपने बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनोजेनेसिस, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ये एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स को, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अब एक्सेस में था मतलब ज्यादा था, उसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, ग्लूकोज, और उसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर, और अगर इसके बाद भी एक्स्ट्रा है तो बॉडी हम लोग की उसको क्या करती है, यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसको एक्सक्रीट करती है, समझ में आ रहा है। यूरिन के अंदर भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लीवर में और मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है, ताकि हम लोग के बॉडी को जब भी रिक्वायरमेंट पड़े हम लोग की बॉडी क्या कर सके, उसको यूज कर सके। देखो मैंने आपको बताया था नॉर्मली होता क्या है कि बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बना रही है, बट इन केस अगर बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो लिपिड और प्रोटीन से फिर क्या करती है, एनर्जी जनरेट करती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग तो इतना स्टोर्ड करके ही रखते हैं पहले से कि बॉडी को प्रोटीन और लिपिड तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, ग्लूकोज में इतना एक्सेस में रखते हैं। इवन हम लोग जब फास्टिंग करते हैं तभी है ना, फास्टिंग में शहरी में इतना खाते हैं कि इफ्तार तक चलता है, और इफ्तार में तक आते कि अगले इफ्तार तक के चले, तो कहां से बॉडी बेचारी मतलब प्रोटीन या फिर लिपिड्स को यूज करेगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और बहुत सारी जगह पर यूज होता है। सिमिलरली अगर आप प्लांट की बॉडी को देखें ना, प्लांट की बॉडी के अंदर एक मिनरल होता है जिसका नाम है डेनोवो, क्या नाम है बच्चों, और ये मिनरल की मदद से प्लांट अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन। और इन सब प्रोटीन में सबसे ज्यादा मिलने वाला अगर कोई प्रोटीन है प्लांट की बॉडी में तो उसको हम लोग बोलते हैं रूबिस्को, क्या बोलते हैं इसको, एक बॉक्स बना के आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको कभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाए। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अवेलेबल इन द बॉडी ऑफ प्लांट, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है प्रोटीन, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स भी अपने बॉडी का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। लिपिड बच्चे लोग दो चीजों से बनाकर मिलता है, पहले भी बताया था अगर याद हो, फैटी एसिड और अल्कोहल को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, लिपिड्स, मतलब अगर लिपिड्स को आप तोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, अल्कोहल मिल गया ना भाई, अलग से देने की जरूरत, ठीक है ना। तो लिपिड जो होता है बच्चे लोग, 1 ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती, कितनी, 9 किलो कैलोरीज। और लिपिड्स अपने बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। कैसे, कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको पता होगा सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, और उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कंपाउंड की जरूरत है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड, क्या नाम है, नाम है लिपिड है,
मतलब सेल मेम्ब्रेन बनाने तो किसकी जरूरत है, लिपिड्स की जरूरत है। हम लोग ने पढ़े थे नाइन स्टैंड में कि हम लोग के ब्रेन के पास जो स्पेशलाइज सेल होता है हम लोग उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन के अंदर हम लोग ने पढ़े थे एक्सॉन होता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, और एक्सॉन की आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी बनती है, लिपिड्स की बनती है। किसकी बनती है? हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन है, ये सारे हार्मोन्स के बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारे हार्मोन्स को भी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लिपिड्स की जरूरत पड़ती है। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि लिपिड्स कितना इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए। समझ में आ रहा है? चलो, देन विटामिन्स। विटामिन्स सभी को पता है अपने बॉडी के भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज भी होती है। तो विटामिन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग के बुक में पांच पता है, ए बी सी डी ई एंड के, एफ नहीं, कौन सा है? के। जिसमें से विटामिन ए डी ई और के जो है बच्चे लोग वो फैट सेल्युलर, कैसे सेल्युलर है, और बी और सी जो है वो वाटर सेल्युलर, कैसे सेल्युलर है, वाटर सेल्युलर, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो विटामिन क्या करते हैं? विटामिन मैंने पहले भी बताया था अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। विटामिन में भी बी में भी क्लासिफिकेशन है, इसे सब में क्लासिफिकेशन है, बट बी में भी दो टाइप दिए हैं, बी टू और बी थ्री, कुछ बुक में बी फाइव भी लिखा है उसको। विटामिन बी टू जो है ना बच्चे लोग, वो राइबोफ्लेविन बनाने में मदद करता है। याद आ रहा है राइबोफ्लेविन, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडीएच2। तो राइबोफ्लेविन बनाने में कौन हेल्प करता है? बी टू। और बी थ्री जो है वो क्या बनाने में मदद करता है? निकोटिनामाइड, कुछ बुक में बी फाइव भी लिखा है। तो बी थ्री जो है वो क्या बनाने में हेल्प करता है? निकोटिनामाइड। ये दोनों हमने पढ़े थे ना, एनएचडीएच2 और एफएडीएच2, मतलब वो मॉलिक्यूल्स को अगर बनाना है तो किसकी जरूरत है? विटामिन की जरूरत। Then, next important part है अपने बॉडी का वॉटर। वॉटर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर वॉटर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगी, और अगर वॉटर कम हो जाए तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। इसीलिए बॉडी के अंदर वॉटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। और वॉटर का बैलेंस कौन मेंटेन करवाता है? किडनी मेंटेन करवाती है। सॉल्ट और वॉटर का बैलेंस कौन मेंटेन करके रखता है? किडनी मेंटेन करके रखता है। अब इसमें समझ लो, आप लोगों को जानना चाहिए बच्चे लोग कि हम लोग की बॉडी बाय वेट वजन के हिसाब से अराउंड 65-70% किसकी बनी है? पानी की बनी। हम लोग के सेल के अंदर 70% क्या बना है? पानी बना है। हम लोग के ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% क्या है? वाटर है। तो अगर आपको याद हो माधुरी दीक्षित का एक एड आता था कैन डालो वाला, जिसमें आधा पानी बनी रहती है वो, तो लिटरली ये बात सही है। हम लोग की बॉडी अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं अराउंड 65-70% किसकी बनी है? पानी की बनी। दैट मीन्स पानी इज इम्पोर्टेंट सोर्स। अगर बॉडी अपने बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम आराइज होगी। समझ में आ रहा है? एक्सेस में हो जाता है तो पेट फूलने लगता है, पैर फूलने लगता है, पानी जमा होने लगता है। कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर की जो पानी है वो हम लोग की बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, पानी नहीं मिला तो मर भी जाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कौन? वाटर। एंड लास्ट न्यूट्रिएंट इज फाइबर। लास्ट न्यूट्रिएंट कौन है बच्चों? फाइबर मैंने पहले भी पढ़ाया था चैप्टर 3 में। फाइबर वो होते हैं जो अपने खाने को डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं। खाने को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? वो खुद डाइजेस्ट नहीं होते, खाने को डाइजेस्ट करने में क्या कर रहे हैं? दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैटलिस्ट। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैटलिस्ट। वो लोग खाने को डाइजेस्ट करवा रहे हैं बट खुद डाइजेस्ट नहीं। That's why they are known as. आप लोग देखते हो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उस पे लिखा था फाइबर्स। तो फाइबर्स बेसिकली क्यों यूज हो रहे हैं? वो हम लोग के बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने में क्या कर रहे हैं? हेल्प। समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चा को? पक्का एक बार रीड कर लो, क्योंकि ये थ्योरी था, इसके ऊपर कोई कंटेंट मैंने ज्यादा बोला नहीं हूँ, लिखा नहीं हूँ, बोला तो बहुत लिखा नहीं। रीड कर लो तो आगे बढ़ेगी। चलो यार देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क का है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज पैटर्न पे, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। किस पर है? अब सवाल ये है कि सेल डिवीजन क्या है और क्यों जरूरी है? व्हाई वी नीड सेल डिवीजन?
सेल को डिवाइड होने की क्या जरूरत है? नया सेल बनाने के लिए. ओके, वेरी गुड. और तो उसने बोल दिया ना कि सर सेल डिवाइड, नए सेल बनाने के लिए सेल को डिवाइड करना. ठीक है, उसके अलावा वो तो आ गया ना सेल में, सेल डिवीजन में आ गया. तो आपने बोल दिया कि नया सेल बना, सेल बन रहा है तो सब आएगा ना अंदर उसके. तो सवाल ये है कि क्यों सेल डिवीजन चाहिए? तो जैसे आपने बोली कि सर नया सेल बनाना है तो सेल को डिवाइड करना. गर्ल्स आपस में बात नहीं करेंगे, बोलो. आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ आती है, हम लोग की हाइट साइज बढ़ती है, तो उसके लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? ग्रोथ के लिए. आपके बॉडी में कट हो गया, वहां वापस से रिपेयर होता है ना, उसकी जगह नए सेल आते हैं ना, तो क्लोज होता है कि जिंदगी भर खुला रहता है? क्लोज होता है. तो रिपेयर करना है तो नए सेल को लाना पड़ेगा. वॉर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए अपने बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनका लाइफ टाइम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रहते हैं, फिर वो मर जाते हैं और उसकी जगह पर नए सेल्स बनते हैं. जैसे एग्जांपल आरबीसी, आरबीसी 120 दिन के लिए रहते हैं, हर 120 दिन के बाद पुराने आरबीसी मर जाते हैं और उसकी जगह पर नए आरबीसी क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं. तो नए सेल्स बनाने के लिए, जो पुराने सेल मर गए उसकी जगह पर नए सेल बनाने के लिए भी हम लोग को किसकी जरूरत है? सेल डिवीजन. सही है कि नहीं भाई? मतलब आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ लाना है, आपके बॉडी के अंदर रिपेयर करना है, आपके बॉडी के अंदर वर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करना है. इन सब के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ने वाली? इसके अलावा जैसे इसने बताया कि सर नया सेल बनाना है, या मैं यू बोलू नया ऑर्गेनिज्म बनाना है. हम लोग ने पढ़े है ना, हम लोग भी तो एक सिंगल सेल से बने, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते थे, वो मल्टीप्लाई हुआ तब जाके हम लोग की पूरी बॉडी फॉर्म हुई. और नया सेल बनाना है, नया न्यू ऑर्गेनिज्म अगर बनाना है बच्चे लोग, तो उसके लिए भी हम लोग को क्या लगेगा? गैमेट सेल लगेंगे, स्पर्म और ओवम लगेंगे, तभी तो वो लोग फ्यूज होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने वाले हैं. तो भैया नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ने वाली? सेल डिविजन. समझ आया? सेल डिविजन भी अपने बॉडी का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चे, इसीलिए हम लोग इसको लाइफ प्रोसेस में काउंट कर रहे हैं. अगर ये ना हो तो लाइफ चलेगी नहीं सर, लाइफ चलेगी. तो अगर बात करें बच्चे लोग सेल डिवीजन की, तो सेल दो तरीके से डिवाइड होते हैं. कितने तरीके से? पहला जो है उसको बोलते हैं माइटोसिस, और दूसरा जो है उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस. दोनों को पढ़ना है बुक में, तो माइटोसिस ही दिया है, मियोसिस दिया हुआ नहीं, सिलेबस पे मियोसिस नहीं है, बट मियोसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है. एक्सप्लेन दी प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, तो हम उसको भी पढ़ेंगे एक्सेस में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा है उसके, बट कंटेंट नहीं दिया, कोई थ्योरी नहीं दिया उसमें. देखो माइटोसिस क्या होता है? जब आपके बॉडी में ग्रोथ लेकर आना है, रिपेयर करना है, वन आउट सेल्स को रिप्लेस करना है, तो उस टाइम पर अपनी बॉडी किससे डिवाइड होती है? माइटोसिस. किससे डिवाइड होती है? और जब नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो देखो नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो अपने पढ़े जेनेटिक मटेरियल दोनों जगह से आता है, मेल और फीमेल दोनों से. तो वहां पर जो क्रोमोसोम है वो नंबर सेम नहीं हो सकते, वो नंबर सेम. एग्जांपल दे रहा हूँ, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से हम लोग को दो सेल मिलता है, एक सेल से, और इनके अंदर कितना क्रोमोसोम होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है, तो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? तो ये जो दो नए सेल बनते हैं ना, इनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे. कितने होंगे? सही है. अब देखो इसमें आपको नया ऑर्गेनिज्म बनाना है क्या, रिप्लेस करना है, ग्रोथ लेकर आना है, वर्न आउट सेल्स को क्या करना है? हटाना है. तो वहां पर हम लोग को सेल के अंदर के क्रोमोसोम्स को कम करने की जरूरत नहीं, सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको कम करने की जरूरत नहीं. बट अगर हम लोग बात करें मियोसिस की, नाम चलो, तो यहाँ पर एक सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, ये डिवाइड होकर चार सेल देगा. कितने सेल? और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? क्योंकि ये कौन से सेल है सर? ये वो सेल है जो नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. क्या बनाएंगे? अब आप इमेजिन करो ना कि अगर मियोसिस नहीं होता, सिर्फ क्या होता? माइटोसिस होता, तो मेल के पास से भी कितने क्रोमोसोम आते? 46.
और फीमेल के पास से भी कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46 + 46 = 92। कुत्ता भी नहीं बनता, इंसान तो बनता नहीं भैया, इंसान में कितने क्रोमोसोम है, 46। पता चला बाद में पता चला वाह आपको भालू हुआ है ना, आपको डायनासोर हुआ है। क्रोमोसोम बराबर नहीं है, क्रोमोसोम बराबर तो अगर नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होनी चाहिए, हाँ तब जाके ना दोनों जगह से 23 और 23 आके कंबाइन होकर कितने बनेंगे, 46। तो ये जो सेल है ना जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हैं, दे आर नोन एज हैप्लॉइड सेल्स। क्या बोलते बच्चे लोग इनको, या फिर इनको हम लोग जर्म सेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते बच्चे लोग, या फिर इसको हम लोग गैमेटिक सेल भी बोलते हैं, गैमेट्स, गैमेटिक सेल डिनोटेड बाय स्मॉल एन। एन का मतलब होता है 23, एन का मतलब क्या होता है, कितने क्रोमोसोम है, 23। ये जो सेल है ना, ये जो 46 वाले हैं, इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल, क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। और इसको हम लोग डिप्लॉइड सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, या फिर इसको डिनोट करने के लिए हम लोग 2n का यूज करते हैं। एन का मतलब 23, 23 2s आर 46। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछता है माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिस्टिंग्विश, बता सकते हो सर माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन जहां पर एक सेल से चार सेल बनते हैं, मियोसिस में सॉरी एक सेल से दो सेल बनते हैं, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनते हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो मियोसिस चाहिए, ग्रोथ और रिपेयर लाना है तो माइटोसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का कोई दिक्कत, समझ में आ गया दोनों क्या है और कब यूज होने वाले हैं, पक्का। इसको लिख लो तो माइटोसिस स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि माइटोसिस से सेल डिवाइड कैसे होगा। याद है तो कुछ दो महीना तो हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस पढ़े। माइटोसिस जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने वाले, एक सेल से दो सेल बनेगा, क्या करेगा बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे माइटोसिस की कि जहां पर एक सेल से दो सेल बनेंगे और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम। लेट्स सी डिवीजन बात करते हैं। देखो माइटोसिस जो है ना बच्चे लोग, माइटोसिस में दो स्टेज, कोई आवाज नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। माइटोसिस में दो स्टेज होते हैं, पहला स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, और दूसरा स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोन का मतलब पहले भी बता चुका हूं, न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब क्या है बच्चे लोग, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो पहले किसका डिवीजन होगा, साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, क्या बच्चे लोग, और देन काइनेसिस का मतलब तो क्या है, डिवीजन। तो पहले सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और हम लोग को एक सेल से कितने सेल मिल जाएंगे, दो सेल, सही है। अगर बात करें कैरियोकाइनेसिस के बाद बच्चे लोग, तो ये चार स्टेज में होता है, कितने स्टेज में होता है, पहला स्टेज जिसको बोलते हैं प्रोफेज, दूसरा स्टेज मेटाफेज, तीसरा स्टेज एनाफेज, एंड द लास्ट फेज इज टेलोफेज। याद रहेंगे सारे फेज, अभी बन पाए बनते हम लोग इन सारे फेज को स्टडी करने वाले। तो ये है वो चार स्टेज जिसमें सेल क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अब जरा बात यहाँ पर सुन लो बच्चे लोग कि हम लोग ना बुक के अंदर अगर डायग्राम को देखें माइटोसिस के, तो हम लोग कुछ समझ में आता, डायग्राम वहां पर क्लियर नहीं है ना,
क्लियरली हम लोग समझ में नहीं आया, आलू उबाल के रख दिया ऐसा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को वार्म अप से हर एक फेस का डायग्राम बना कर दूंगा, हर एक फेस का डायग्राम, और उसमें कुछ सब पॉइंट्स में लिख देता हूँ शॉर्ट में, ताकि उसको याद करना क्या हो जाए आसान। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं, करो ध्यान से समझो, अगर आप इसको समझते हो तो गारंटी दूंगा कि अब भी याद हो जाएगा। समझ में स्टार्ट कर। तो पहला फेस दैट इज प्रोफेज। अच्छा, प्रोफेज से पहले हम लोग पहले बात करते हैं कि सेल डिवाइड होने से पहले कैसा दिखता है, डिवीजन से पहले कैसा होगा, और डिवीजन के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, ऐसे तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, है कि नहीं, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ये सब है। बट हम लोग फिलहाल अभी सेल के अंदर उसी चीज को ड्रॉ करेंगे जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा भी बाकी सारी चीजें हैं, बट उसको ड्रॉ क्योंकि अभी सब यहाँ बनाऊंगा एक ही सेल के अंदर, तो कीचड़ हो जाएगा। हम लोगों को जो समझना है सिर्फ उसी को बनाते, बाकी सबको इग्नोर करते। ठीक है, तो नॉर्मली सेल, बच्चे लोग, एक नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? सेल के बाहर एक ऑर्गेनिल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं चलो? और धागे के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, नोन एज क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन फाइबर। ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया हूं आपको। इसी को हम लोग डीएनए बोलते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा डीएनए। ये है न्यूक्लियोलस। ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं चलो? तो मैं अब यहाँ पर जहां जहां भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकला रहेगा ना, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में एन डॉट एम लिख दूंगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारी चीजें सेल डिविजन में पार्टिसिपेट करने वाली है। इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनेल हैं, बट अभी हम लोग उसको ड्रॉ नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सेल डिवीजन होने से पहले सेल ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं कि सेल जब डिवाइड होगा तब क्या होगा। तो पहला फेस दैट इज प्रोफेज। तो चलो, प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियोलस है, वो डिसअपीयर्ड होना स्टार्ट होते, गायब होना स्टार्ट होते, गायब नहीं हो गए पूरी तरीके से, गायब होना स्टार्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्ड होना स्टार्ट हुए। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये अपने आप को कंडेंस करके, अपने आप को जमा कर क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट करता है। क्या करता है? क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट। और ये जो सेंट्रियोल है ना, ये जो सेंट्रियोल है, ये अपने आप को स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा दो हिस्से में, और दोनों हिस्से पोल्स की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। कहां पर आना स्टार्ट कर देंगे? समझ में आया? चेंजेस लिखूं क्या क्या होगा? पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपीयर। सेकेंड क्या हुआ? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो रहा है, जम रहा है, ताकि क्या बना सके? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, टू फॉर्म। ठीक है बच्चे लोग, तीसरा क्या हुआ? सेंट्रियोल स्प्लिट, सेंट्रियोल स्प्लिट एंड मूव टुवर्ड्स पोल, एंड मूव टुवर्ड। क्लियर है बच्चे लोग? कोई दिक्कत? डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें इसको। ये अपना सेल था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डैश डैश बना रहा हूं ना, चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रहा है, यहां पर सेंट्रियोल का एक हिस्सा यहां पर बना देते हैं और एक हिस्सा पोल की तरफ मूव होगा ना टूट के, तो इसके लिए यहाँ आ रहा है धीरे 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 धीरे, कहा चले जाएगा यहाँ पे, और क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर दिए। समझ में आया? ऐसे तो कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46। अब यहाँ 46 बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? सर समझ में नहीं है, तो मैं अभी दो ही बना। क्लियर है कि नहीं भैया? कोई दिक्कत? प्रोफेज क्लियर है? प्रोफेज में क्या हुआ?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रही थी, क्रोमेटिक फाइबर पेंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, सेंट्रियोल स्प्लिट होकर कहां पर जा रहा है, कॉर्पस। यहां तक कि क्लियर? रट्टा मारने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फेज, सेकेंड फेज है बच्चों, मेटाफेज। सेकेंड फेज क्या है? अब यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर होते हैं, वहां डिसअपीयर हो रहे थे और यहां पर कंप्लीटली डिसअपीयर मतलब गायब हो जाए, सही है। सेकेंड क्या होगा, ये सेंट्रियोल जो टूटे थे ये कहां पर पहुंच जाएंगे, पोल्स पर, और उसके अंदर से एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या होते हैं बच्चे लोग? स्पिंडल फाइबर, स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन है नोन एज स्पिंडल फाइबर, और उन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, एंड दैट लाइन इज नोन एज इक्विटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया? मैं डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, पहले तो लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। ये लोग क्या हो गए बच्चों? हाँ, इसमें डिसअपीयर हो रहे थे, स्टार्ट टू डिसअपीयर, गायब नहीं हुए थे ना, टेस्ट डैश बनाया था, यहां पर डिसअपीयर हो गया, बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। सेकेंड, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक प्लेस, स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन स्पिंडल फाइबर, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन स्पिंडल फाइबर इन ए इक्विटोरियल प्लेन, प्लेन का नाम क्या रखे, इक्विटोरियल। क्लियर है? डायग्राम में कैसे दिखेगा उसको समझा देता हूं कि भैया ये अपना सेल है बच्चे लोग, हम लोगों ने बोले कि सेंट्रियोल कहां पर पहुंच गए, पोल्स पर, और यहां से क्या निकला है, स्पिंडल फाइबर। क्या निकला बच्चे लोग? क्रोमोसोम कितने हैं, तो स्पिंडल फाइबर भी कितने होंगे, 46। फिर मैंने क्या बोला, इन स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, एक लाइन में क्या कर लेंगे, दिख रहा है एक लाइन में, दिस प्लेन इज नोन एज इक्विटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे, कहा मां कसम, ठीक है, मां की कसम, सब समझ नहीं समझ गया, तमीज वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो गए, क्रोमोसोम जो सेंट्रियोल जो टूटे थे वो कहां पे पहुंचे, पोल पर, और उसमें से क्या निकला, स्पिंडल फाइबर, और हर स्पिंडल फाइबर पर क्रोमोसोम ने अपने आप को क्या किया, एक लाइन में अरेंज किया, एंड दैट लाइन इज नोन एज, इसका नाम भी लिख देता हूं, क्या बोलते इसको, क्या बोलेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा फेज है जहां पर क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, नॉर्मली क्रोमोसोम देखने नहीं मिलता है ना, क्रोमेटिक फाइबर होता है, नॉर्मली क्या होता है, तो आपको क्रोमोसोम देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, क्रोमोसोम कौन से फेज में देखने मिलता है, मेटाफेज, कौन से फेज में, मेटाफेज में, यहाँ ध्यान दे, मैं दूं दोनों को, अभी नींद में चले जाएंगे, क्या ध्यान दे, ठीक है। देखो प्रो फेज में न्यूक्लियर अपना जो क्रोमोसोम है बच्चे लोग, ये बन रहा है, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम, तो एक्चुअली में आपको पूरा क्रोमोसोम यहाँ देखने मिलने वाला नहीं, पूरा क्रोमोसोम आपको देखने मिलने वाला, हम लोग को क्रोमोसोम कब देखने मिलेगा, मेटाफेज, जब सेल क्या हो जाएगा पूरे तरीके से स्पिंडल फाइबर पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाएगा, तभी, इसके बाद देखने में नहीं मिलेगा, दैट मींस मेटाफेज इज द ओनली फेज जब आप क्या देख सकते हो, इसके अलावा आप क्रोमोसोम को देख, ठीक है ना, क्लियर है। थर्ड फेज की बात कर लेते हैं, एनाफेज। अब इसमें क्या होता है बच्चे लोग,
इसमें ये जो क्रोमोसोम है ना, ये सेंटर से टूट रहा, सेंटर से क्या हो जाता है, और चार पैर है ना इसके, तो दो पैर इस साइड चले जाते हैं और दो पैर इस साइड, समझ में आया, बस इतना ही होगा, सेंटर से क्रोमोसोम टूटेगा और दो पैर इधर आ जाएंगे और दो पैर, मतलब अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, मैंने सिर्फ दो ही पैर बनाया कुछ, आपके बुक में मेंशन भी किया है, तो यहां लिख भी देता हूं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्प्लिट एंड मूव टूवर्ड्स सेंट्रियोल्स, मूव टूवर्ड्स सेंट्रियोल्स एंड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना, अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत, झूठ तो नहीं बोल ना, ठीक है, चौथा फेस टेलो फेस, चौथा फेस क्या बच्चे, इसमें क्या हुआ ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फ्यूलस रीअपीयर, अगर आप नोटिस करो 46 क्रोमोसोम थे ना, 46 को हम लोग ने बीच में से तोड़ दिए, तो अब कितने क्रोमोसोम हो गए, अरे गधे लोग, बीच में से तोड़ेंगे तो डबल होगा कि आधा हो जाएगा, आपके पास एक लकड़ी है उसको आप बीच में से तोड़ रहे थे, अब कितनी लकड़ी है, कि आधी होगी, दो हुई ना, तो मेरे पास 46 थे, मैंने बीच में से आधा 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 तो तोड़ दिया, मतलब मेरे पास कितने क्रोमोसोम हैं, 92 में से आधे इधर आधे, मतलब यहाँ पर भी कितने हैं 46 और यहाँ पर भी कितने, यही तो चाहिए था ना, आगे 46 और 46, अब क्या होगा, तो ये सेल है बच्चे लोग अपना, इस सेल के अंदर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगी, न्यूक्लियोलस बनना स्टार्ट होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होकर वापस से क्रोमेटिन फाइबर बनाना स्टार्ट, समझ में आया, और यहाँ पर क्या बन रहा है सेंट्रियोल, सेम ये साइड वाला हुआ, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर और सेंट्रियोल, समझ में आ गया, पॉइंट लिख दूं क्या क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, क्या होने लगेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, टू फॉर्म क्रोमेटिन, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज दैट इज फिफ्थ स्टेज, फिफ्थ तो नहीं है फोर ही है, अब यहां पर स्टार्ट होगा साइनो साइटोकाइनेसिस, क्या होगा बच्चे लोग, इस सेल के अंदर बनेगा फरो, इस सेल के अंदर क्या बनेगा, यहाँ दो सेल बन गए ना, यहाँ पर दो सेल बन गए, इस सेल के अंदर क्या होता है बच्चे लोग, जब तक कि ये लोग बन रहे ना तभी से वो स्टार्ट भी हो जाता है, फरो बनना स्टार्ट हो गया, ऐसा समझ आ रहा है, और धीरे धीरे मैच हो गए, ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, एक सेल से कितने सेल मिलेंगे, और उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, मिले एक सेल से दो सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितने हैं, 46 और, समझ में आ गया, हाँ के ना, माइटोसिस क्लियर, कितने स्टेज में होगा, दो स्टेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में कितने फेज, चार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसएग्रीगेट हो रहे थे, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर दिया था, सेंट्रियोल स्प्लिट होकर पोल पर जाना स्टार्ट, मेटाफेज में क्या हुआ सर, पूरा अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो गया, वहां पर जो सेंट्रियोल पोल पर पहुंचे थे उस पर स्पिंडल फाइबर निकला,
और स्पिंडल फाइबर के ऊपर सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ रहे हैं। एनाफेज में क्या हुआ, हम लोग का जो क्रोमोसोम था वो स्प्लिट होकर दो हिस्से में कन्वर्ट हो गया, एक हिस्सा नीचे आ गया, एक हिस्सा ऊपर से अपीयर्स लाइक बंच ऑफ। एंड देन फोर्थ स्टेज, जहां पर क्या हुआ कि फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद सर वहां पर अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर असरी रिपेयर होना स्टार्ट हुआ, डी वापस से जो अपना क्रोमोसोम था वो डी कंडेंस होकर क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है और ये कंप्लीट कर देगा अपना कैरियोट। देन क्या स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस, जहां पर सर फरो बनेगा और धीरे धीरे वो दोनों क्या हो जाएंगे, मैच होकर हम लोग को एक सेल से दो सेल में। माइटोसिस, इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट माइटोसिस। Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two